कल हमने पढ़ा था एक्टिव स्टैंडबाय फेलओवर की थ्योरी और एक्टिव एक्टिव फेलओवर का थ्योरी पार्ट, या फिर फेलओवर का प्रैक्टिकल करने से पहले जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वी डिस्कस्ड दैट थिंग, ठीक है। एंड देर इज वन थिंग लेफ्ट, मैंने कल आपको बताया भी था कि स्टैंड बाय आईपी कन्फिगर होता है, बट उसका फेलओवर से कोई लेना देना नहीं होता, मतलब डेटा ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने के लिए उसका कोई लेना देना नहीं होता। तो आज हम प्रैक्टिकल करेंगे फेलओवर, कौन सा, एक्टिव स्टैंड बाय। मैं तो वेट ही कर रहा था, तुम पूछ नहीं रहे इतनी देर से। हाँ एक हमने कनेक्ट किया था बीच में से, जहाँ स्विच से डिफरेंट, उससे भी हम पता कर देते हैं कौन सा डाउन है कौन सा अप है, ठीक है। और लैन वाले से, क्योंकि लैन वाले से भी शिफ्टिंग होता है, दोनों दो की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, ये देखो ना, मतलब अभी आप ये चीज में भी ना समझ पाओ जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। ये भाई कह रहे हैं कि भाई हमने लैन इंटरफेस को भी कनेक्ट कर लिया, यहाँ से भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यहाँ से भी आपस में कनेक्टेड है, यहाँ से भी मॉनिटरिंग करेंगे, ये भी कनेक्टेड है आपस में, ये भी मॉनिटरिंग करेंगे। हाँ भाई, सारे के सारे इंटरफेस मॉनिटर होंगे, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ से भी मॉनिटर करेगा फायरवॉल, यहाँ से भी मॉनिटर करेगा। अगर ये वाला एएसए एक्टिव है तो इसके हर एक इंटरफेस क्या होंगे, मॉनिटर, ताकि इसे ऐसे को कभी कभी भी पता चला कि ये इंटरफेस डाउन है तो ऑटोमेटिकली ये वाला एएसए क्या बन जाएगा, एक्टिव, ठीक है। और ये पार्ट अभी बाद में कवर होगा सारा का सारा। लैन इंटरफेस वो केवल फेलओवर के लिए ही यूज होगा, आप इससे जो जो भी इंटरफेस आप ऐसे फेलओवर इंटरफेस यूज करोगे, आप उसे डेटा ट्रैफिक को फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इट इज ओनली फॉर, हाँ किसके लिए, लिए कौन सा इलेक्शन, ये केवल किसके लिए है, फेल ओवर के लिए। तो आज हम अभी कोई भी ट्रैफिक पास नहीं कराएंगे किसी भी डिवाइस के थ्रू, हम क्या करेंगे, बस इन तीनों डिवाइसेस को पावर ऑन, वैसे तो सारे डिवाइसेस कर दिए मैंने पावर ऑन, बस इन दोनों डिवाइसेस को पावर ऑन करेंगे और इनके बीच में फेल ओवर कन्फिगर करेंगे, कैसा, एक्टिव स्टैंड बाय। वी विल लर्न हाउ टू कन्फिगर फेल ओवर बिटवीन टू फायरवॉल, विच फेल ओवर, एक्टिव स्टैंड बाय फेल ओवर। तो आज का टास्क क्या रहेगा, कॉन्फ़िगर एक्टिव स्टैंड बाय फेल ओवर बिटवीन एएसए वन एंड एएसए टू एज फॉलोज। एएसए वन शुड बिकम एक्टिव, एएसए वन क्या बनना चाहिए, एक्टिव। सेकंड, यूज E2 टू इंटरफेस एज फेल ओवर लैन इंटरफेस। विद नेम इफ एफ ओ, जैसा कि आप सभी को पता है, जब भी हम फायरवॉल पर कोई भी इंटरफेस कन्फिगर करते हैं, इंटरफेस पर हमें क्या कन्फिगर करना होता है, इंटरफेस का नाम। तो हम फेलओवर के लिए कौन सा इंटरफेस यूज करेंगे, इथरनेट 2। एंड एक और चीज याद रखना, ये दुर्गा ने कल पूछा था कि भाई अगर यहां पर E2 है तो यहां पर भी E2 होना चाहिए, ऐसा नहीं यहां पर E2 और यहां पर E3 है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं हो सकता यहां पर E0 है और यहां पर E1 है, एवरीथिंग मस्ट बी आइडेंटिकल, ठीक है। वो कहां गई तुम्हारी विंडोज, ठीक। एंड इसके अलावा
अब एक और पॉइंट यहां पर लिखना है, एक्टिव आईपी ऑन फेलओवर इंटरफेस शुड बी 7.7.100.100 एंड स्टैंड बाय आईपी शुड बी 100.101। ठीक है, अब ये प्रैक्टिकल करने से पहले जैसे ही मैंने यहां पर लिखा एक्टिव आईपी एंड स्टैंड बाय आईपी, लेट मी एक्सप्लेन दैट व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैंड बाय आईपी एड्रेस। मान लेते हैं मैंने किसी एएसए पर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किए हैं डेटा इंटरफेसिस पर, जैसे कि 1.10 और 101.1.10। अगर मैंने डेटा इंटरफेसिस को कॉन्फ़िगर किया है तो जो भी डेटा ट्रैफिक आएगा दैट कैन पास थ्रू दी फायरवॉल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड मान लेते हैं अभी हमें स्टैंड बाय आईपी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता, हमें बस कौन सा कॉन्सेप्ट पता है, एक्टिव आईपी। एक्टिव स्टैंड बाय पढ़ा था ना हमने, so if this firewall is active, active IP addresses are available here. Now, in case this ASA goes down, तो automatically ये IP कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, और ये IP कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, और data traffic कहाँ से pass होने लगेगा, यहाँ से। So whenever we configure failover, और failover अगर occur भी होता है तो हमेशा डेटा ट्रैफिक को पास करने के लिए कौन सी आईपी यूज होती है, एक्टिव आईपी। स्टैंड बाय आईपी कॉन्फ़िगर ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फेलओवर हमारा काम करेगा क्योंकि डेटा ट्रैफिक हमेशा कौन सी आईपी से पास होना है, एक्टिव आईपी से। बट जैसे कि हमारे पास दो डिवाइसेस होते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है स्टैंड बाय, तो इसलिए हमारे पास हमेशा दो आईपी एड्रेसेस होंगे, एक एक्टिव आईपी एड्रेस और एक स्टैंड बाय आईपी एड्रेस। नाउ लेट मी राइट दिस थिंग फर्स्ट, पहले आपको यही समझा देते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस व्हेन एवर वी कॉन्फ़िगर फेलओवर, एक्टिव आईपी एंड स्टैंड बाय आईपी। एक्टिव आईपी बोले तो आईपी विच इज अवेलेबल, विच इज ऑलवेज अवेलेबल ऑन एक्टिव यूनिट, जो आईपी हमेशा कौन सी फायरवॉल पर होगी, एक्टिव। स्टैंड बाय आईपी, आईपी विच इज ऑलवेज ऑन स्टैंड बाय यूनिट। Whenever failover occurs, data traffic passes through active unit, which means active IP address. तो practically तो standby IP का कोई use नहीं है, failover अगर होता है तो। If we do not configure standby IP, failover will work. कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस एक दिक्कत आएगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, failover monitoring will not work for डेटा इंटरफेस। फेलओवर काम करेगा लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, फेलओवर में होता क्या है, व्हेन एवर वी कॉन्फ़िगर फेलओवर, दोनों डिवाइसेस एक दूसरे को मॉनिटर करते हैं, कीप अलाइव मैसेज सेंड करके, जो कि आईसीएमपी टाइप होता है, मतलब जैसे आईसीएमपी काम करता है ना, पैकेट गया रिप्लाई आया, उस तरीके से। ठीक है, मतलब दोनों ASS एक दूसरे को मॉनिटर करते हैं फेलओवर इंटरफेस से भी, और हर
लैन इंटरफेस, डेटा इंटरफेस से भी। तो अगर मैंने किसी भी फायरवॉल पर स्टैंड बाई आईपी कॉन्फ़िगर नहीं किया तो वो वाला इंटरफेस मॉनिटर नहीं हो पाएगा। फेलओवर मॉनिटरिंग विल नॉट वर्क बट फेलओवर विल वर्क। ठीक है, इतना समझ में आया। एंड मॉनिटरिंग इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फेलओवर। मॉनिटरिंग से तो पता चलेगा कि अच्छा कौन सा फायरवॉल ज्यादा हेल्दी है, कौन सा फायरवॉल कम हेल्दी है। और अगर किसी इंटरफेस पर आईपी नहीं है तो यहां से ये फायरवॉल कोई भी पैकेट सेंड नहीं कर पाएगा। अगर एक दूसरे दोनों को एक दूसरे को मॉनिटर करना है तो यहां पर भी कोई आईपी होना चाहिए और यहां पर भी क्या होना चाहिए, कोई आईपी। आईपी नहीं होगा तो ये फायरवॉल कोई भी पैकेट सेंड नहीं कर पाएगा। आया समझ में अभिजीत? व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैंड बाय आईपी फॉर मॉनिटरिंग पर्पस? अगर हम स्टैंड बाय आईपी कॉन्फ़िगर ना करें, फेल ओवर काम करेगा? करेगा। ठीक है, तो आओ चलो कॉन्फ़िगर करते हैं फेल ओवर। ये है टास्क, तो टास्क को ये टास्क है। देखो सिंपल सी चीज है, अगर मुझे दो डिवाइसेस के बीच में फेलओवर कॉन्फ़िगर करना है, पहली चीज तो क्या, दोनों फायरवॉल के बीच में इलेक्शन होना है कि कौन फायरवॉल एक्टिव बनेगा। तो उसके लिए क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा हमें, लैन यूनिट रो, यहां पर भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और यहां पर भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। उसके अलावा हमें यह बताना है कि फेलओवर इंटरफेस कौन सा है, जैसे कि E0/2। और जब भी हम फायरवॉल पर कोई इंटरफेस यूज करते हैं उस इंटरफेस पर क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, नाम और आईपी। फायरवॉल लैन यूनिट रोल इज फॉर फायरवॉल। जो भी कुछ कॉन्फ़िगर होगा वो फायरवॉल पे होगा, इंटरफेस पे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये जो नाम और आईपी है ना, ये भी हम इंटरफेस पे जाके कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे। कुछ तो अलग होना चाहिए। अब क्या कितनी बार इंटरफेस पे जाके नेम इफ कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, तो फेलओवर तो यहां से भी हो जाएगा ना। अच्छा मॉनिटर नहीं करेगा तो उस केस में फेलओवर नहीं होगा, लेकिन मैनुअली हम करवा सकते हैं। फेलओवर काम ही नहीं करेगा, जो आप सही कह रहे हो, यहां से अगर मॉनिटरिंग नहीं होगा तो ये फेलओवर काम नहीं करेगा। बट इसमें एक पॉइंट और है, अभी मैं बता नहीं रहा। तो लेट अस कॉन्फ़िगर फेलओवर फर्स्ट ऑन ASA वर्क। मैंने बता दिया अभी आपको कि फेलओवर कॉन्फ़िगर करना है तो क्या क्या चीजें बतानी है, लैन यूनिट रोल, लैन इंटरफेस, इंटरफेस आईपी, इंटरफेस नहीं। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं, फेलओवर, लैन यूनिट रोल, कौन सा फेलओवर, इंटरफेस, इंटरफेस नेम एंड आईपी। इसके लिए हम तीन कमांड यूज करेंगे, तीन कमांड से ये चारों चीजें कॉन्फ़िगर हो जाएंगी। एक मिनट रुकना, चलो करते हैं प्रैक्टिकल। अब हमें फेलओवर लैन यूनिट रोल बताना हो, इंटरफेस बताना हो, इंटरफेस का नाम बताना हो, आईपी बताना हो, सारी की सारी कमांड ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में होगी और किस कीवर्ड के साथ स्टार्ट होगी, फेलओवर कीवर्ड के साथ। ये क्या चल रहा है भाई, तो सारी की सारी कमांड कहां चलेगी, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, और सारी कमांड स्टार्ट होंगी फेलओवर कीवर्ड के साथ। और तीन कमांड होगी, फेलओवर लैन यूनिट रोल,
फेलओवर लैन इंटरफेस, फेलओवर इंटरफेस आईपी, ये तीन कमांड है। इन तीन कमांड से हम क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, चार चीजें। लैन यूनिट रोल से हम बताते हैं कि भाई हमारा एएसए का रोल क्या है, प्राइमरी या फिर सेकेंडरी। अगर मैं फायरवॉल पर कोई लैन यूनिट रोल कॉन्फ़िगर ना करूं तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सेकेंडरी। फेलओवर लैन इंटरफेस, इस कमांड से हम दो चीजें कॉन्फ़िगर करते हैं, विच फेलओवर इंटरफेस, इंटरफेस नंबर बताते हैं हम, एंड इंटरफेस नहीं, ठीक है। और फेलओवर इंटरफेस आईपी कमांड से हम क्या बताते हैं, स्पेसिफाई एक्टिव आईपी एंड स्टैंड बाय आईपी, ठीक है। मुश्किल नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया देन द कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। और ये पूरे सिक्योरिटी के टाइम पे इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल इज नथिंग, बट प्रैक्टिकल जब आप करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको फेलओवर कमांड याद रहेगी तो आप क्वेश्चन मार्क के बाद देख सकते हो क्या क्या ऑप्शन होते हैं। अभी इन दोनों फायरवॉल पर कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है, होस्ट नेम भी नहीं है। शो रन फेलओवर, क्या कोई फेलओवर की कॉन्फ़िगरेशन है? कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं कमांड चलाता हूं शो फेलओवर, देन यू कैन सी दैट फेलओवर लैन यूनिट रोल इज व्हाट, सेकेंडरी। अगर कॉन्फ़िगर ना करे तो क्या होता है, सेकेंडरी। सेकेंडरी पे कॉन्फ़िगर ना करे तो चलेगा ना, प्राइमरी को तो बताना पड़ेगा। प्राइमरी को ही नहीं बताएंगे कि तुम प्राइमरी हो तो इलेक्शन कहां से होगा, समझे? फेलओवर लैन, इस कमांड के बाद दो ऑप्शन आते हैं, फेलओवर लैन यूनिट और फेलओवर लैन इंटरफेस। दोनों कमांड का मतलब आपको पता है। लैन यूनिट से ये बताते हैं कि प्राइमरी है या फिर सेकेंडरी है, लैन इंटरफेस से ये बताते हैं इंटरफेस नंबर और इंटरफेस नहीं। लैन इंटरफेस और इंटरफेस आईपी दोनों दे दिए पर रोल नहीं दिया, तो फिर कैसे डिसाइड होगा कि कौन प्राइमरी है, दोनों सेकेंडरी? नहीं चलेगा भाई फेलओवर, आपने क्राइटेरिया ही नहीं बताया तो कहां से चलेगा फेलओवर, ठीक है। इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऑप्शनल है, ऑप्शनल कमांड जो है अभी हमने वो चलाई नहीं है। ये देखो फेलओवर के बाद कितनी सारी कमांड है, तो चलाएंगे अभी आगे कमांड, ये बेसिक प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो सबसे पहले कमांड चलाते हैं, सबसे पहले तो होस्ट नेम कॉन्फ़िगर कर देते हैं, होस्ट नेम ऐसे वन, फेलओवर लैन यूनिट प्राइमरी, ठीक है। फेलओवर लैन यूनिट के बाद अगर आप क्वेश्चन मार्क करोगे तो दो ही ऑप्शन है आपके पास, प्राइमरी एंड सेकेंड। इसके बाद फेलओवर लैन इंटरफेस, ये कमांड हम यूज करते हैं इंटरफेस नंबर बताने के लिए और इंटरफेस नेम। फेलओवर जो भी इंटरफेस होता है उसके लिए हम नेम और आईपी इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाकर नहीं बताते, फेलओवर कमांड को यूज करके बताते हैं। तो फेलओवर इंटर लैन इंटरफेस, यहां पर हम क्या बताएंगे, इंटरफेस का नाम, नंबर नहीं है, जो भी इंटरफेस का नाम हमें रखना है वो नाम बताएंगे, जैसे कि एफ ओवर, ठीक है। और उसके बाद हम बताएंगे कि कौन सा फिजिकल इंटरफेस है या फिर क्या है, सब इंटरफेस। तो इंटरफेस है इथरनेट 2।
आशीष इसका मतलब बताओ पढ़ के। हेलो हाँ भाई कौन बताएगा बताओ। इन केस अगर इंटरफेस ईथरनेट 2 पर कोई कॉन्फ़िगरेशन है जिसका फेलओवर से कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि नेम इफ अगर कॉन्फ़िगर्ड होता, आईपी कॉन्फ़िगर होता, तो वो अपने आप क्या हो जाएगी, क्लियर। ये मतलब है नॉन फेलओवर कॉन्फ़िगरेशन इज क्लियर्ड ऑन ईथरनेट 2 एंड इट्स सब इंटरफेसेस। ठीक है, तो दो कमांड हमने चला ली, फेलओवर लैन यूनिट एंड फेलओवर लैन इंटरफेस। अब एक कमांड बची क्या, फेलओवर इंटरफेस आईपी, जिससे हम बता देंगे कौन सा आईपी एड्रेस होगा। फेलओवर इंटरफेस आईपी क्वेश्चन मार्क, सबसे पहले हमें बताना है इंटरफेस का नाम एफ ओवर, फिर हमें बताना है आईपी एड्रेस। सब पहले कौन सा आईपी आएगा, एक्टिव आईपी एड्रेस। दो मिनट रुकना, सबसे पहले कॉन्फ़िगर हो कैसा आईपी, एक्टिव आईपी, फिर उसका सबनेट मास्क, फिर क्वेश्चन मार्क करोगे तो आपको क्या बताना है, एक्टिव आईपी बता के आप एंटर नहीं कर सकते, क्या बताना पड़ेगा, स्टैंड बाय। अब यहां पर एक क्वेश्चन उठ सकता है कि सर आपने स्टार्टिंग में बताया था आज क्लास के स्टार्टिंग में कि स्टैंड बाय आईपी कॉन्फ़िगर करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यहां पर तो है। नाउ ऑलवेज रिमेंबर ये पॉइंट, आप जब नोट्स बनाओ तब लिख लेना, स्टैंड बाय आईपी कॉन्फ़िगर करना डेटा इंटरफेसिस के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन लैन इंटरफेस के लिए एक्टिव आईपी भी जरूरी है और स्टैंड बाय आईपी भी जरूरी है। ठीक है, कब है ऑप्शनल स्टैंड बाय आईपी, डेटा इंटरफेसेस के लिए, लैन इंटरफेस के लिए इट इज मैंडेटरी, इट इज नॉट ऑप्शनल। तो अभी हमने तीनों कमांड रन कर लिए, फायरवॉल पर, एएसए 1 पर, फेल ओवर लैन यूनिट, फेल ओवर लैन इंटरफेस और फेल ओवर इंटरफेस आईपी। अब यहां पर यह सवाल भी उठ सकता है कि भाई मैंने ASA 1 मुझे पता है कि ये प्राइमरी है, तो मुझे इस पर कैसा आईपी कॉन्फ़िगर करना चाहिए था, एक्टिव आईपी, मैं दोनों आईपी को कॉन्फ़िगर कर रहा हूं। अब देखो होता क्या है, एक्टिव आईपी प्राइमरी ASA हो या फिर सेकेंडरी ASA हो, ये कमांड ऐसी की ऐसी दोनों फायरवॉल पर चलती है, फेल ओवर लैन, फेल ओवर इंटरफेस आईपी, एक्टिव आईपी एंड स्टैंड बाय आईपी। जो भी फायरवॉल प्राइमरी कॉन्फ़िगर्ड होता है वो कौन सी आईपी उठा लेता है, जो प्राइमरी होगा वो कौन सी आईपी उठाएगा, एक्टिव, और जो स्टैंड बाय सेकेंडरी होगा वो स्टैंड बाय। ये देखो शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ, कौन सी आईपी आ गई। अभी यहां पर एक्टिव आईपी क्यों है, क्योंकि शो रन फेल ओवर ये क्या है, प्राइमरी। अगर मैं यहां पर कमांड चला दूं फेल ओवर लैन यूनिट सेकेंडरी, तो अपने आप ये फायरवॉल कौन सी आईपी उठा लेगा, दी आईपी विच इज कॉन्फ़िगर्ड एज स्टैंड बाय। यू आर गेटिंग एवरीथिंग नाउ, योर हिंदी इज गुड, सो इंटरफेस आईपी ब्रीफ बाय डिफॉल्ट सेकेंडरी होता है। अरे भैया कहां हो, किधर हो, वो प्राइमरी कौन चलेगा, आज तो मैं फास्ट पे टाइप नहीं कर रहा। तो आप देखो यहां पर कैसा आईपी आ गया, स्टैंड बाय। तो लैन यूनिट रोल से डिसाइड होगा, फायरवॉल विल टेक विच आईपी एड्रेस, एक्टिव और स्टैंड बाय। तो यहां पर आप दोबारा से कमांड चला देते, फेल ओवर लैन यूनिट
प्राइमरी, अब यहाँ पर कौन सा आईपी आ जाएगा, एक्टिव आईपी। ऑनलाइन कोई डिले तो नहीं आ रहा ना आवाज वगैरह में, क्योंकि प्रोसेसिंग स्लो चल रही है लैपटॉप की। आवाज आ रही है ऑनलाइन? ठीक है, ये आईपी प्री डिफाइंड नहीं है भाई, हम कॉन्फ़िगर करते हैं ना आईपी तो, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट जो भी हम आईपी एड्रेस बताते हैं दैट मस्ट बी ऑफ सेम सबनेट, तभी तो ये आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। आईपी सेम सबनेट का होना चाहिए, आईपी कुछ भी हो सकता है। अब मैं ये 77 आईपी क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि जब मैंने लैब दी थी तब यही आईपी थी तब से मैं यही आईपी यूज कर रहा हूँ। अभी अभी हमने सेकेंडरी फेलो एएसए को कॉन्फ़िगर नहीं किया है, अभी हमने बस कौन कॉन्फ़िगर किया है, प्राइमरी एएसए। फेलोवर की कमांड्स नहीं जाएंगी ना, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन तो करनी पड़ेगी। अब एएसए वन को क्या सपना आ रहा है कि भाई अच्छा वो एएसए टू सेकेंडरी है, वी हैव टू स्पेसिफाई सम बेसिक थिंग्स। ऐसा हो सकता है मैं एक राउटर पर EIGRP कॉन्फ़िगर कर दूं, दूसरे पे ना करूं, चल जाएगा EIGRP। तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन तो करनी पड़ेगी ना। तो अभी जो मैंने फेलओवर की कमांड चलाई है ASA1 पर, वो कमांड कॉपी कर देते हैं, शोरन फेलओवर, ये तीन कमांड हमने चलाई है। इट कैन बी एनीथिंग बट इट शुड बी यूनिक। ऐसा नहीं, डेटा इंटरफेस पर भी इनसाइड है और इसको भी हमने इनसाइड यूज कर लिया, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमारी कहां पर, ASA1 पे। ये क्या हो गया, हाँ चला के देख लेना, चला के देख लेना भाई, ठीक है। दोनों फायरवॉल पर सेम होना चाहिए, अलग अलग करोगे फिर भी अपने आप सेम हो जाएगा, रेप्लिकेट हो जाएगा। अब सेकेंडरी ASA पर क्या कमांड चलेंगी, कमांड सारी की सारी सेम रहेगी, बस क्या बदल जाएगा, ये क्या बन जाएगा, सेकंड। गलत जगह बैठ गए तो भाई तुम, बसंत, ठीक है। क्या कमांड बदली, बस लैन इंटरफेस भी वही रहेगा, इथरनेट टू उसका नाम भी वही रहेगा, और ये कमांड तो वैसे की वैसी ही चलेगी। तो ये दोनों, ये कमांड हम रन कर देते हैं ASA2 पर, ये दोनों कमांड को कॉपी कर लेते हैं। अब ये दोनों फायरवॉल कौन से इंटरफेस से आपस में कम्युनिकेट करेंगे फेलओवर के लिए, इथरनेट टू। तो कम्युनिकेशन के लिए इंटरफेस क्या होना चाहिए, इनेबल। अगर इनेबल नहीं होगी तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या है, फेलओवर की कमांड्स के साथ साथ हमें मेक श्योर करना है जो भी इंटरफेस हम यूज कर रहे हैं फेलओवर के लिए, वी मस्ट इनेबल दैट। ठीक है, इंटरफेस E2 NoSet इंटरफेस लेवल पर जाकर ही होगा, इंटरफेस E2 NoSet। एक मिनट,
शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ, यहाँ पर क्या आईपी है 7.7.100.100, यहाँ पर क्या आईपी है 100.101। अब अगर मैं आपस में इन दोनों को पिंग करता हूं तो पिंग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी ये दोनों डिवाइसेस आपस में एक दूसरे के साथ कोई भी मैसेज एक्सचेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने फेलओवर कॉन्फ़िगर तो कर दिया, बस एक चीज बची है क्या, फेलओवर को इनेबल करना, ठीक है। तो एक बार फेलओवर इनेबल कर देते हैं। फेलओवर इनेबल करने के लिए क्या क्या कमांड होगी, फेलओवर, बस दिस कमांड इज टू इनेबल फेलओवर। अब आप ये कमांड पहले प्राइमरी पर चलाते हो या फिर सेकेंडरी पर चलाते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब ये दोनों डिवाइसेस आपस में बात करेंगे, ASA2 को पता चलेगा कि ASA1 प्राइमरी है, तो ASA1 क्या बन जाएगा, एक्टिव। तो अब ASA2 क्या करेगा, अपनी सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन को क्लियर करेगा, अगर कॉन्फ़िगरेशन है तो, और फिर सारी की सारी जो कॉन्फ़िगरेशन ASA1 पर है वो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, रेप्लीकेट। क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि कॉन्फ़िगरेशन रेप्लीकेशन दो तरीके से होता है। इनिशियल लेवल पर सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन कहां से कहां रेप्लीकेट होती है, प्राइमरी टू सेकेंडरी, ठीक है। अब ये थोड़ा वो प्रोसेस सो पहुंच रखा है ना, तो इसलिए थोड़ा सा स्लो हो गया ये। क्या 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 कॉन्फ़िगर किया, हाँ कॉन्फ़िगर दिख रहे थे फेल, डाउनस्ट्रीम के लिए आपको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। अगर फेलओवर अपनी आ रहा तो कनेक्टिविटी देखनी है उन दोनों फायरवॉल की, बस इसमें कुछ अलग से थोड़ी होगा। अब ये देखो लिखा रहे हैं यहाँ पर ASA2 पर क्या लिखा रहा है, डिटेक्टेड एंड एक्टिव मेट, मतलब इसको कोई एक्टिव मेट मिल गया। ASA1 पर लिखाया एक्टिव मेट डिटेक्टेड, ये बोला भाई कोई मेरे को एक्टिव नहीं मिला, मैं ही एक्टिव हूं। अब इसने कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन स्टार्ट किया, इसने कॉन्फ़िगरेशन को क्या किया, सेंड किया, और ASA2 ने क्या किया होगा, रिसीव किया कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है। नाउ कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन हैज बीन फिनिश्ड, आजा भाई लिखा हुआ एंड। कल से सर्वर पे करते हैं प्रैक्टिकल। वैसे हो चुका है सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन, पता नहीं लास्ट में इनकी अनबन होगी हो गई होगी, मना ही नहीं कर रहे। अब देखो अभी मेरे पास कंसोल कौन से ASA का, ASA1 का या फिर ASA2 का, इस पे होस्ट नेम क्या है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन होता है और होस्ट नेम भी किसका पार्ट है, कॉन्फ़िगरेशन का। कॉन्फ़िगरेशन हमेशा हमें कौन सी फायरवॉल पर करनी चाहिए, एक्टिव या फिर स्टैंड बाय। अब फेलओवर इनेबल हो चुका है, दोनों फायरवॉल ने डिटेक्ट कर लिया है कि कौन सी एक्टिव है। ASA2 पर हूं मैं अभी, श्योर ऑन एक्सेस लिस्ट, क्या कोई ACL है। अगर मैं अभी ASA1 पर जाकर एक ACL बना देता हूं, स्लो हो गया भाई, और ASA2 पर जाकर चेक करता हूं तो कॉन्फ़िगरेशन एट ए टाइम क्या हो जाती है, रेप्लिकेट। ये कमांड यहां पर भी रन हो गई। ASA1 पर जाकर मैंने किया क्लियर कॉन्फ़िगर एक्सेस लिस्ट, यहां से ACL क्या हो गई,
रिंग में। अब सुनो, वही मैं पॉइंट ऐड कर रहा हूं, हमें हमेशा कॉन्फ़िगरेशन कहां पर करनी चाहिए? एक्टिव पर, बट स्टैंड बाय पर भी हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। मान लेते हैं अगर मैंने स्टैंड बाय, ये मान लेते हैं एक्टिव है और ये मान लेते हैं स्टैंड बाय है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन एक्टिव पर है वो कॉन्फ़िगरेशन कहां पर होगी? स्टैंड बाय पर। अब मैंने जानबूझकर स्टैंड बाय पर जाकर कोई कॉन्फ़िगरेशन कर दी ऐड, जैसे दो कमांड ऐड कर दी, तो क्या अब इन दोनों फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिकल है? नहीं, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन स्टैंड बाय से एक्टिव पर नहीं होता। तो जैसे ही आप स्टैंड बाय पर कोई कॉन्फ़िगरेशन करोगे, आपको एक वार्निंग मैसेज मिल जाएगा कि भाई तुमने गलत फायरवॉल पर कॉन्फ़िगरेशन कर दी है, अब कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, ये देखो, अगर मैंने गलती से जाकर ASA 1 पर ही कमांड चला, ASA 2 पर कमांड चला दी, तो कमांड तो चल जाएगी, लेकिन ये क्या बोला, कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन इज नॉट परफॉर्म्ड फ्रॉम स्टैंड बाय टू एक्टिव, और इसकी वजह से कॉन्फ़िगरेशन आर नो लॉन्गर सिंक्रोनाइज्ड, अब दोनों पर कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं है। क्या हाँ हाँ, लो अब मैं इसको एक्टिव बना देता हूँ, फेल ओवर एक्टिव, ये एक्टिव बन गया। रुको अभी रुको रुको, शोरन एक्सेस, हाँ तो देख लेते हैं भाई, शोरन एक्सेस लिस्ट, नहीं हुआ नहीं हुआ। अब सारे सॉल्यूशन यहीं पर मन करो, मेरे से करवा रहे तुम सारे। अब रुको, पहले मेरे को टॉपिक कवर कर लेने दो सही से। तो फेलओवर कॉन्फ़िगर करते हैं तो कहीं पर भी हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन कहां पर करनी चाहिए? एक्टिव पर, इनिशियल लेवल पर, प्राइमरी पर। अब फेलओवर कॉन्फ़िगर हो गया, फेलओवर कॉन्फ़िगर होने के बाद क्या शो कमांड हम यूज कर सकते हैं? शो फेलओवर, इससे हमें पता चल जाएगा कि अच्छा फेलओवर इनेबल है या नहीं, कौन सी ASA एक्टिव है या फिर कौन सी ASA स्टैंड बाय है। शो फेलओवर, ये ASA क्या है? प्राइमरी। फेलओवर क्या है? ऑन। कौन सा इंटरफेस है? इथरनेट 2, जो कि अभी क्या है? अप। दिस होस्ट मतलब ये डिवाइस क्या है और अभी क्या है? अदर होस्ट क्या है? सेकेंडरी, और वो क्या है? क्या प्राइमरी और सेकेंडरी रोल एक्सचेंज हो सकते हैं एक दूसरे के साथ? राकेश नहीं या हाँ? नो सर। और ये रोल एक्सचेंज हो सकते हैं? क्या प्राइमरी स्टैंड बाय बन सकता है? ये समझ में आया? अभी ये दिखाना था मुझे आपको। तो शो फेल ओवर कमांड से आप ये पता कर सकते हो कि कौन सी ASA क्या है? एक्टिव। सारा कुछ एक ही दिन में नहीं पढ़ना ना। ये ASA क्या है? स्टैंड बाय। और ये ASA क्या है? एक्टिव। ये क्या है? दिस होस्ट, ASA 2 पर कमांड चलाई, दिस होस्ट सेकेंडरी, क्योंकि सेकेंडरी कॉन्फ़िगर्ड है, स्टैंड बाय। अब जब भी अगर रियल टाइम में कोई भी काम करेगा फायरवॉल पर, जब भी किसी ASA का कंसोल लेगा, तो उसको पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि भाई कौन सी ASA, क्या ये ASA एक्टिव है कि नहीं। अब उसके लिए ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि बार बार वो शो फेलओवर कमांड कर चला के देखता रहे। देयर शुड बी ए वे कि जैसे ही वो कंसोल ले उसको पता चल जाए, मतलब होस्ट नेम के साथ ही कुछ ऐसा दिख जाए जिससे कि पता चल जाए कि भाई ये एक्टिव है या फिर स्टैंड बाय। तो हम कमांड चला सकते हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट कमांड से हम ये बताते हैं कि इससे पहले जैसे कि ये कॉन्फ़िग है ना, इससे पहले क्या दिखाई देगा? ये दिखाई दे रहा है हमें, अगर मैं यहां पर कर देता हूं, ये होस्ट नेम क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट कमांड चली होती है प्रॉम्प्ट होस्ट नेम, इसलिए हमें होस्ट नेम दिखाई देता है। अगर मैं कर दूं नो प्रॉम्प्ट, कुछ दिखाई दे रहा है? ये हैश है, इसके पहले क्या दिखाई देगा वो हम बताते हैं कौन सी कमांड से? प्रॉम्प्ट कमांड से। तो प्रॉम्प्ट होस्ट नेम स्टेट दिखा दिया,
कौन सी एक्टिव है, अपने आप दिखा दिया। अब अगर मैं ए से टू पर जाता हूँ तो ये अपने आप दिखा देगा कि क्या है, स्टैंड बाय। समझ में आया? अब आपको होस्ट नेम के साथ ही ये भी देखना है कि कौन सी प्राइमरी है कौन सी सेकेंडरी है, तो आप ऐसे कर सकते हो, प्रॉम्प्ट होस्ट नेम प्रायोरिटी, ये अभी प्राइमरी है और ये क्या है, और ये वाली ए से सेकेंडरी है और ये क्या है, स्टैंड। आया समझ में? हाँ कुछ नहीं बचता, फिर भी देखना हो अच्छा लगता है ना, पता रहता तो सही रहता है ना। सेम सेम लग क्या रहा, सेम ही है। हाँ तो ऐसे बन ही रहेगा, ये तो फेल ओवर कॉन्फ़िगर किया है भाई, कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही रहेगी ना, तभी तो मैंने ये ऐड किया। ठीक है, नींद आ रही है? कॉन्फ़िगर मोड में जो भी कमांड है वो कॉन्फ़िगर मोड। अगर मैंने ए से वन पर जाकर, जैसे कि ए से टू पर मैंने कमांड चलाई शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ, ये शो कमांड है, इसका क्या रेप्लिकेट करना? केवल कॉन्फ़िगर मोड में जो कमांड चलती हैं वही क्या होती हैं, रेप्लिकेट। वैसे चलो कल बताएंगे। अब देखो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कर ली है, अब हम क्या करेंगे ब्रेक के बाद, ट्रैफिक को पास कराएंगे। ठीक है।